दोस्तों आप सब ने देखा कि पिछले दिनों में जो पंजाब का राजनीतिक म्यार है वह काफ़ी गिरया वा। पर्सनल अटैक्स एक दूजे के उत्ते ओपोजिशन वालों भगवंत सिंह मान ते फिर भगवंत मान का कल जवाब देना और इस गल ना मैं सहमत हाँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पर्सनल अटैक्स की बजाए निजी हमलों की बजाए मुद्दों से राजनीति होनी चाहिए। हुण अज तुहाडे सन्मुख मैं दो मुद्दे रखना चाहना और भगवंत सिंह मान को पूछना चाहना कि यह तो मुद्दे मानते हैं ना तुसीं। एक कटारू चक का जो शरीरक शोषण किया उसने पिछले दिनों में एक नौजवान का और उहदे पुख्ता वीडियो सबूत गवर्नर ने वेरीफाई करके पंजाब सरकार को भेजे हुए हैं। तो दूसरा मुद्दा हैगा पंजाब दे विच प्रेस की आज़ादी जो पिछले दिनों बरजिंदर सिंह हमदर्द और उन्होंने अदारे अजीत उत्ते जिस ढंग का विजिलेंस का हमला किया गया। असी विजिलेंस की किसी भी तहकीकात के खिलाफ नहीं गए पर फिर दिल्ली चीका मत मारो जो मनीष सिसोदिया नू या सतेंद्र जैन नू या अरविंद केजरीवाल नू इन्वेस्टिगेट करती है CBI बहुत बड़े शराब घोटाले सैकड़ा करोड़ों के फिर तुम उत्ते धरने मार दो शोर मचा दो। सो पहला मैं गल करना चाहना वा कटारू चक के मुद्दे की। तुम सबनों याद होगा कि मैं पहली तारीख नू पहली मई नू गवर्नर पंजाब नू दो अश्लील वीडियोज़ कटा लाल चंद कटारू चक दी उन्होंने सौंपिया सोशल मीडिया से नहीं पाइया क्योंकि वह बड़ा माड़ा इफेक्ट जाना सी। गवर्नर पंजाब ने उन्हां दी तस्दीक की फोरेंसिक लैब चंडीगढ़ को उन्होंने वेरीफाई कराया और उन्होंने पहली चिट्ठी लिख के भेज दी पहले हफ्ते मई दे विच भगवंत मान को कि ये प्रॉपर कार्रवाई की जाए। उस चिट्ठी के उत्ते SIT बना दी गई एक स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम 3 मैंबर्स की। लेकिन मैं पूछना चाहना भगवंत सिंह मान हुणां नूं कि पिछले 45-50 दिन तो अज तक SIT ने मिनिस्टर नूं बुलाया तक नहीं गा। बेसिक लॉ हैगा कि जो भी कोई पुलिस को शिकायत जाती है उन्हें पहला एक्यूज़ नूं लभना उसनूं उहदी बयान रिकॉर्ड करनी उहदी इन्वेस्टिगेशन करनी उसकी इंटरोगेशन करनी। लेकिन अज तक SIT ने ना कटारू चक नूं बुलाया ना उन्होंने वीडियोज़ कन्फ्रंट कीतियां कि ये वीडियोज़ तेरिया हैं कि नहीं हैं। बस यही कही जाते कि उहदा निजी मामला है जी। ये निजी मामला नहीं गा मान साहब, ये कटारू चक का एक अपना परिवार है ऑलरेडी और वह एक पब्लिक लाइफ विच आ उसका कोई भी कंडक्ट जो बहुत बड़ा इंपैक्ट पैंदा अपने नौजवानों पर पंजाब के लोगों पर आम जनता पर। और सेम सैक्स मैरिज अज तक सुप्रीम कोर्ट में उसका चल रही बहस चल रही लेकिन अज तक गैर कानूनी है। हुण तक अज जिथे आप गल कर रहे गैर कानूनी है सेम सैक्स मैरिज गैर कानूनी। लेकिन कटारू चक ने एक नौजवान सोडमाइज किया भैड़ी अश्लील बदफैली की। उस नौजवान ने पहला जाके SC कमिशन का दरवाजा खड़काया दिल्ली। SC कमिशन ने पंजाब सरकार को नोटिस दिता कोई कार्रवाई नहीं। फिर उस नौजवान ने शायद उसका नाम केशव आ उसने फिर SIT नूं चिट्ठी लिखी कि तुसीं मेरे बयान दर्ज कर सकते हो, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते अवेलेबल हाँ, मेरी जान नूं खतरा वा, कोई कार्रवाई नहीं। हुण SC कमिशन ने 3 नोटिस भेजे ने कि सानूं दस्या जावे तुहाडी एक्शन टेकन रिपोर्ट की ATR, कोई एक्शन नहीं। पंजाब के गवर्नर ने 3 चिट्ठियां लिखतियां पंजाब के चीफ मिनिस्टर नूं कि कटारू चक नूं डिसमिस किया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की, कोई एक्शन नहीं गा। कि यह आम जनता का तो पंजाब का मुद्दा नहीं गा कि इस एदा मतलब कि जो ताकतवर लोग ने वो अपनी शक्ति का दुरइस्तेमाल करके कोई भी कार्रवाई कर सकते। और मेरी तो जानकारी मुताबक जोड़ा वह नौजवान हैगा वो पिछले काफ़ी दिनों तो सरकार के कोल आ और वह पंजाब दे विच आ, वो पॉसिबली SIT की कस्टडी चा, उन्हूं प्रेशराइज करके गलत मलत बयान दवाना चाहते हैं तो मंत्री नूं क्लीन चिट दवाना चाहते हैं। सो मान साहब ये तो किसी ये तो कोई निजी हमला नहीं गा, ये तो एक मिनिस्टर दे सैक्शुअल मिसकंडक्ट का एक बहुत वड्डा पब्लिक इशू आ। आई होप कि तुसीं आने वाले दिनों ये कार्रवाई करो। हुण आपां गल करते हैं प्रेस की आज़ादी दे, एक गल कहण दी लोड़ नहीं कि सारी पंजाब दे मीडिया नूं इस वक्त हाईजैक किया होया आम आदमी पार्टी सरकार ने। दो तरीके ने, वो कहिंदे ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, बहुतियां नूं लालच नाल खरीद लिया बड़े 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 एड्स आ। तुसीं देखोगे अखबारों में दो दो सफ़े दे असल इश्तहार हुंदे ने लेकिन आपां नूं पढ़ने वाले नूं लगता कि जिदां खबरां पढ़ रहे आपां। इह सारी पेड एडवरटाइजमेंट हैगी आ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं। तुसीं देखोगे ओपोजिशन का कोई चेहरा नहीं दिखाया जा रहा इस्टैबलिश्ड प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के। कुछ वैब चैनल्स ने जिहड़े सरकार नाल लड़दे ने जिन्हां ते कार्रवाई हुंदी और जिहड़े नहीं मनदे उन्हां दी गल उन्हां ते फिर परचे दर्ज होणे। बहुत सारे छोटे वैब चैनल जिहड़े सीगे अनम्यूट और अकाल TV बहुत सारे वैब चैनल जिहड़े सीगे वो सरकार ने धक्के नाल बंद करवा दिते सीगे। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जिहड़े सस्पेंड कराते सी जिहड़े भी सरकार का विरोध करते हैं। इहदा मतलब है कि जो केजरीवाल साहब मोदी ते इल्जाम लाउंदे कि उत्थे जी इहने गोदी मीडिया बनाता वा,
बिल्कुल इन बिन उही पॉलिसी आम आदमी पार्टी भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे विच मीडिया दे उते अप्लाई की हुई है। हुण आ गई आपां गल करदे बरजिंदर सिंह हमदर्द। हमदर्द एक रिनोन्ड पंजाबी विश्व प्रसिद्ध डेली है। तुसी कहने जी असीं जंगे आजादी का तहकीकात करनी विजिलेंस तां तुसीं नोटिस भेज रहे हो, पर याद रहे कि उन्हां दीआं एड्स कई महीने पहला बंद कीतीआं, क्योंकि पॉसिबली अजीत तुसीं जिद्दां अजीत नूं चलाउणा चाहुंदे सीगे अजीत उस तरह चलना नहीं चाहती, वो तुहाडी गल मनना नहीं चाहती, वो अपनी गल इंसाफ पसंदी नाल रखना चाहती सी। फिर तुसी उहदे ते प्लैंड तरीके दे नाल एक विजिलेंस दे जांच दे हुक्म दित्ते आ। और जिदां मैं शुरू च कहा सीगा कि पंजाब दे विच तुहाडी विजिलेंस जांच करे ते इह भ्रिष्टाचार नाल जुड़ियां खबरां बना दिंदे हो कि भ्रिष्टाचार दे खिलाफ कार्रवाई कीती। जे इही कार्रवाई CBI या ED दिल्ली तुहाडे मिनिस्टर्स दे खिलाफ करदी आ, सतिंदर जैन पिछले साल सवा साल दा जेल सीगा और मनीष सिसोडिया नूं हाई कोर्ट ने जमानत उहदी रिजेक्ट कीती आ। अक्सर कुछ तां सबूत होणगे अदालत दे सामने CBI ने रखे जिहड़े सैकड़े करोड़ दा शराब दा घोटाला, फिर जदों उत्थे CBI तुहानूं इनवैसटीगेट करदी तुसीं कहिंदे जी बहुत वड्डी विंडेटा हो रहा वा, बदलाखोरी हो रही, उत्थे तुसीं धरने लाउंदे हो दिल्ली जाके सारा सारा दिन धुप्पे बैठ के बाहरले पासे, ते पंजाब दे विच उसे विजिलेंस दे राहीं तुसीं अपने विरोधियां ते जिहड़ा मीडिया तुहाडे अखे नहीं लगदा तुसीं उत्ते पछत। आ तुहाडे सामने मैं जींदी जागदी मिसाल हां, मेरे ते पिछले दिनों में दो मन घटत झूठियां बेबुनियाद FIR दर्ज की गई। एक जिदन मैं गवर्नर नूं मिलना पहली तरीक नूं, दो तरीक नूं एक पुरानी FIR मेरे खिलाफ एक बिल्कुल बोगस, उहदे च SDM पलाथ नूं दबा पा के उहदे च एक नॉन अवेलेबल सैक्शन जोड़ दिंदे ने ताकि मैनूं अरैसट किया जा सके। जदों मैनूं उहदे च जमानत मिलती है 11 तरीक नूं 12 नूं, मैनूं पता लगता कि 11 रात नूं एक होर FIR 51 साल पुराना मेरा रेवन्यू रिकॉर्ड कट के मेरे परिवार का 51 ईयर्स ओल्ड 1972 का, और शिकायतकर्ता कौन है जिन्हें इतने दो बारी जमानत जब्त हुई, मतलब जिन्होंने मेरा कोई जमीन का तबादला होया उन्हें आ रहे शिकायत करने, शिकायतकर्ता आ रहा जो प्रोफेसनल नोन मेरा पोलीटिकल ओपोनेंट है। तो मेरे दे दो परचे दर्ज भी वाहेगुरु की कृपा के नाल कोर्ट ने मैनू राहत दे दिती। सो मान साहब मैं तुहानू कहना चाहना कि ठीक है तुसीं कहने कि निजी हमले नहीं होने चाहिए, अंडरस्टूड, और मैं अपनी पार्टी तो उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की गल तो गुरेज करिए, परंतु जेडे पब्लिक डोमेन लोगों के मुद्दे भटक रहे हैं उन्होंने तो ता जवाब बनता ना। तुम पिछले कटारू चकता पिछले 50 दिन का जवाब ही नहीं दे रहे, कि जवाब मंगया भी तो तुम कहता जी मैं तो हले वीडियो देखी नहीं गई, फिर तुम कहता वो निजी लाइफ है जी, ये निजी लाइफ नहीं गई, वो थोड़ी निजी लाइफ हो सकती है, तुम एक आफ्टरऑल थोड़ा एक पहला रिश्ता जोड़ा है कानूनी तौर पर खत्म होया, डिवोर्स होया, अपनी वह शादी दूसरी करा ली, नो ऑबजैक्शन एट ऑल, लेकिन कटारू चकता परिवार हले जींदा जागता वा और एक मुंडे ना बदफैली कर रहा, isn't this a issue connected with the people of Punjab? और दूसरा मैं जरा क्या वा कि प्रेस की आज़ादी, तुसी सारे देश में घूम रहे हो इस वेले, चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल साहब नू नाल लेके मान साहब नू तां ले जाया जांदा क्योंकि इहदे जहाज़ की वरतों करनी, अदरवाइज इन्हां नू जाण दी लोड़ नहीं सी क्योंकि पंजाब सरकार का जहाज है, वह कभी तमिलनाडु जा रहा कभी महाराष्ट्र जा रहा, कल लखनऊ गए हुए सके, जाओ जी सदके, पर उत्थे तुसी की कहने जाके कि साडे नाल एक अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कर रही BJP साडे खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास करता दिल्ली दे सरकार दे पर कट दिते ने। पर तुसी ये दस्सो मैनूं कि तुसी की BJP दी जो जम्मू कश्मीर दे 3 टोटे किए गए तुसी BJP नूं वोटां पाईआं कि नहीं पाईआं सी, और जो तुसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स BJP दे एलिज कर रहे हो बिल्कुल उन्हां नूं तुसी पंजाब दे विच रेप्लीकेट कर रहे हो, मतलब प्रेस नूं हाईजैक कर लिया, ओपोजिशन नूं दबा के दे तेरे परचे ते परचे दर्ज कर देते, कि ये गैर कानूनी गल्लां नहीं हन, कि मेरे खिलाफ बनते जिहड़े दो परचे अगर उन्होंने कोई भी निरपक्ष जांच होगी तो तुसी झूठे पाए जाओगे, पिछे तुसी टंगदे हो फोटोआं बाबा साहेब अंबेदकर दीआं जिन्हां ने संविधान बनाया सीगा, पर संविधान दे विच किते बाबा साहेब अंबेदकर ने NSA लाई सीगी, तुसी साडे नौजवानों नूं पंजाब चों चक के आसाम दीआं जेलां विच बंद कर दिता, कि ये गैर कानूनी नहीं है, कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दुरउपयोग नहीं गा। सो जो गल्लां तुसी BJP नूं इल्जाम सेंटर च लाउंदे हो कि BJP साढ़े नाल ज्यादती कर रही है, साढ़े नाल गैर संविधानक एक्शन कर रही है, बिल्कुल उही गल्लां तुसी अपने लोगों के नाल पंजाब दे विच कर रहे हो, विरोधी धिर दे नाल कर रहे हो और मीडिया नाल कर रहे हो। सो ये मेरी गल्लां अज दीआं सन जिहड़ी कि तुहाडे सामुख रखियां, मैं उम्मीद करदा बड़ी फेयर जी गल कीती है, और मैं फिर कहना चाहुंदा अपनी पार्टी नूं कि पर्सनल अटैक्स नाउ लेट्स कम टू पब्लिक डोमेन। मैं तो बल्कि अपनी पार्टी तो उम्मीद करदा वा कि कटारू चक दे मसले नूं बड़े जोर शोर नाल चुकणगे, आपां चुप क्यों कादे वास्ते हैं, तुहाडे कल्ले कल्ले लीडर नूं चक चक के अंदर दे रहे हैं। अज तो 2-3 दिन पहला विजेंद्र सिंगले के घर रेड किया, उस तो पहला ब्रह्म महिंद्रा जी ने रेड किया, उस तो पहला बरिंदर पाड़ा साडा MLA है उतों गुरदासपुर तो,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕੀ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਮ ਐਲ ਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਤ ਰੋਵੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਕੋਟਫੱਤਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।